स्वीकृति मिले। ताली बजाते हैं जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने। इसको ताली का महत्व कहते हैं। ऐसे तो सभी को पता है कि ताली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। दिन में एक ना एक बार कुछ देर के लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य के अलावा सत्संग के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप सत्संग या कीर्तन में जाते हैं, आप देखते हो कि लोग जो भी गा रहे हैं या महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं, वो सब ताली बजाने को करते हैं। तो कई लोग झुंझला जाते हैं कि भाई क्या बार बार ताली कर बजा रहे हैं। उससे वैसा नहीं कि ताली बजाने से अच्छा आवाज और ध्वनि अच्छा लगता है। ताली बजाने का महत्व है, जब आप कथा या सत्संग में आते हैं तो आप संसार को छोड़कर भगवान से मिल रहे हैं। ताली आपको भगवान से मिलने में और सहायता करती है। कैसे? जैसे भोले बाबा ने जब ताली बजाई तो जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत छोड़कर चले। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें भगवान से मिलने से रोकती है। सबसे पहली चीज अहंकार। आप देखेंगे कि कई बार जब कथाओं में कोई बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, बड़ा सेठ आया तो जल्दी से लोग ताली नहीं देते, शांत रहे, हाथ बांध कर बैठते हैं। और अगर कोई बहुत ताली बजाने को कह भी दे तो उनका एक अपना तरीका होता है ताली बजाने का। कैसे? उसी व्यक्ति को अपने घर पर अपने पोता या पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती होगी, लेकिन भगवान के घर पर ताली बजाने में उसको शर्म आती है। उसका कारण क्या है? अहंकार। हम भगवान के दरबार में भी आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि भगवान की सेवा करना छोटा सा नहीं है। जो व्यक्ति ताली अच्छे से बजाता है वो अहंकार भगवान के दरबार में बाहर छोड़ देता है। दूसरी चीज आलस्य। अब जब आप कथा सुनते हैं तो कथा तो काफी देर तक चलती जाती है, कहानियां बातें, फिर जब भी भजन आए तो व्यक्ति अगर उस वक्त भी ताली ना बजाए तो शरीर थोड़ा तो आलस में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि ऊर्जा आ जाए शरीर में, कि फिर आगे के प्रसंग आप अच्छे से सुन सकते। एकदम शांत बैठ रहे तो किसी को थोड़ा आलस आएगा। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं, वो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को सुनने नहीं देते।